सभी को मेरा राम राम। परीक्षा में हमारे से मैक्सिमम पूछा जाता है, खास करके ड्राइंग के डिप्लोमे वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, वो जब कमीशन में बैठते हैं तो कई बार इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक बहुभुज दिया गया है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, सप्तभुज है, उसका आंतरिक कोण निकालो। तो उसका आंतरिक कोण निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपने ये सूत्र अच्छे से सीख लिया तो किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण आप आराम से निकाल सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ सूत्र हमारे पास क्या है। हमारे पास सूत्र है n-2 × 180° / n। ये हमारा सूत्र है। अब हमें ये लगाना यदि आ रहा है तो हम उसको निकाल सकते हैं। वैसे चतुर्भुज में भी लगा सकते हैं, पंचभुज षट्भुज किसी में भी लगा सकते हैं। चलो मैं चतुर्भुज में पहले लगा के आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा हम इसको निकालते हैं, चतुर्भुज के आंतरिक कोण निकाला हमने, तो जो n हमारे पास है ये हमारे पास एक भुजा है, तो n की जगह हमने लगानी है भुजा। तो भुजा हमारे पास है चतुर्भुज, तो 4 − 2 × 180° / 4 / n आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब 4 में से 2 गए तो 2 रह गए, गुणा 180° आ गया, बटे में 4 गुणा पहले से ही है, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि 180 × 2 तो कितना आ जाएगा, 360° बटे में हमारे पास 4 है, इक्वल बाय। अब 4 से इसको हम अगर काटते हैं तो 9 × 36 तो 90। तो चतुर्भुज का मींस अगर सम चतुर्भुज है तो उसका आंतरिक कोण आता है 90° का। इसी तरह इसको पंचभुज में यदि हम लगाते हैं तो n की जगह हमने लगाना है 5, क्योंकि n हमारी भुजा है, −2 × 180°, ठीक है, upon 5, क्योंकि n की जगह हमने भुजा लगानी होती है। तो 5 − 2 हमारे पास आ जाएगा 3 × 180° / 5। अब इक्वल बाय, अब 180 × 3, तो हमने 180 को 3 से गुणा करना है तो कितना होता है हमारा, था ये 5 × 4 = 5। अब हमने इसको काटना है तो 5 × 5, ठीक है, 5 × 5, 4 के लिए जाएगा तो 0 आ जाएगी, 5 × 8 = 40, ठीक है, तो 5 × 8 = 40, तो आगे आ जाएगा, ये डिग्री में है, तो पंचभुज का जो कोण होता है वो होता है 108°। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको निकालते हैं षटभुज के लिए, 6 भुज के लिए हमने निकालना है तो n सूत्र यही है, सूत्र हमारा यही रहेगा, तो n की जगह हमने लगाना है 6 − 2 × 180° / हमारे पास आ जाएगा 6, क्योंकि n जो है वो हमने भुजा ले रखी है। तो अब 6 − 2 कितना हो गया, 4 × 180° / आ गया 6, इक्वल बाय। अब 180 × 4 कितना होता है, 18 × 72, ये हो गया 720° / 6, ठीक है। अब 6 से यदि हम इसको काटते हैं, भाग देते हैं, तो यहां से हमने देना है इसको भाग 7 के लिए पहले, तो 6 × 6, ठीक है, 1 रह गया, यहां 2 के साथ 1 लगा दिया, यहां बन गए 12, तो 6 × 12 कट गया, आगे 0 आ जाएगी, तो 120°। तो 6 भुज का जो आंतरिक कोण होता है 120° का। अब इसी तरह से आप सप्तभुज का निकालो, अष्टभुज का निकालो, 9 भुज का, 10 भुज का, किसी भी बहुभुज का आप आंतरिक कोण जो है वो इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं, n − 2 × 180° / n। ये जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र से आप किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण निकाल सकते हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने यदि आपके पास ये एंगल दिया हुआ है तो आपने भुज कैसे निकालना है, और यदि आपके पास आंतरिक कोण है या बहुभुज है उसका बाह्य कोण कैसे निकालना है।
तो वो उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो वो सब इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।